योगी नरेंद्र कुमार एक्स सर्विसमैन डीएन कॉलेज मेरठ निवासी आई ब्लॉक शास्त्रीनगर मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन में देखा है, सुना है, समझा है, उसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी अगर कुछ हमारे समाज में जो गैप आ गया है उसको दूर करने के लिए जो कुछ उपाय सोचने होंगे। जैसे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में गैप चला आ रहा है, वही गैप हमारे समाज में भी विद्यमान है। हमारे समाज में जो देखने में आ रहा है कि उच्च वर्ग वाले उच्च तीन अगर हम तीन श्रेणी में इसको मान करके चले तो पहली श्रेणी में वो लोग हमारे समाज से बिल्कुल अलग कट गए हैं। कुछ मीडियम क्लास हैं और कुछ निचले स्तर पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो एक दूसरे से समरस नहीं हो पा रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी को इसमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है ताकि इनमें समरसता पैदा की जा सके। अगर हमारे युवा पीढ़ी इसमें समरसता पैदा कर सके तो हमारा समाज समृद्ध हो करके राजनीतिक जो फल प्राप्त करना चाहता है वो भी फल प्राप्त कर सकेगा। और उसके लिए मेरी सोच में ये है कि जैसे एक दही हांडी का त्यौहार मनाया जाता है बॉम्बे साइड में, इसी तरह से और उसमें क्या होता है कि नीचे बहुत सारे लोग एक ग्रुप नीचे खड़ा होता है अपने कंधों पे, नीचे 8 बच्चे खड़े हैं मान लिया, उसके ऊपर 6 बच्चे खड़े हैं, उसके ऊपर 4 खड़े हैं, उसके ऊपर 2 खड़े हैं, उसके ऊपर 1 खड़ा हुआ, उसने जाकर के हांडी को तोड़ लिया। तो अगर हमें राजनीतिक अंगूर को का फल चखना है या हांडी का हमको दही खाना है तो उसके लिए हमको निश्चित रूप से ऐसा इस तरह से अपनी रचना करनी पड़ेगी समाज की कि एक दूसरे को कंधा दे करके ऊपर एक को ले जा करके उस दही हांडी को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये संदेश हमारे युवा पीढ़ी समरसता का सूत्र अपना करके ही कर सकती है।